अभी पूरे बिहार में पटना में बहुत तेजी की गर्मी पड़ रही है, पारा 44 42 40 से ऊपर ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कुछ बातों पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहला ये है कि खाली पेट बाहर कतई न निकले, हमेशा कुछ न कुछ खा करके ही निकले। दूसरा चीज़ ये है कि खाने पीने में मसालेदार चीज़, तले चीज़, घी तेल का प्रयोग कम से कम करें और रसदार फलों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे डाब का पानी हुआ या फिर संतरे हुए, नारंगी, मौसमी जूस, पाइनएप्पल जूस, गन्ने का जूस, तो तरबूज, खरबूज, जो जो रसदार फल हैं उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपके शरीर के अंदर पानी और लवण की कमी ना हो। तीसरी चीज़ है कि कभी भी आप बाहर जा रहे हैं, पसीना बहुत आ रहा है, तो इलेक्ट्रोल पाउडर जिसमें कि नमक, चीनी, पोटेशियम, सोडियम सारी की मात्रा अनुपातिक रूप में रहती है, उसका सेवन करें। उसे एक कप पानी में, एक गिलास पानी में घोल लें 2 चम्मच और उसे पिए, जिससे कि आपके शरीर में लवण की कमी ना हो और आपको आपके शरीर में कमजोरी ना आए। चौथी चीज़ है कि जो कपड़ों का चयन हो इस चिलचिलाती धूप में, वो भी बहुत मायने रखती है आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। उसमें कॉटन का लें और हल्का कॉटन का लाइट कलर का कपड़ा पहने, जिससे कि आपका आपके शरीर के त्वचा को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। इसके अलावा अपना जो एंटी फंगल पाउडर होता है उसका प्रयोग करने से इचिंग, जो इरप्शंस होते हैं, हीट रैशेस होते हैं, वो सब नहीं निकलते हैं। और एक साथ लगातार बहुत देर तक धूप में न रहें, कैप लगाएं और छाता का इस्तेमाल करें, और कहीं भी अगर गर्मी में निकलने कंपल्शन हो रहा है, आपको जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो जा करके रास्ते में ही कहीं कहीं ठंड में रुकते हुए एक जाएं, एक एक लगातार बहुत देर तक धूप के अंदर में न रहें। और इन सब बातों पर ध्यान देने से आप जो लू के इफ़ेक्ट हैं या धूप के इफ़ेक्ट हैं, जो जो शरीर पर कुप्रभाव पड़ते हैं, उससे आप बच सकते हैं।